हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो काफ़ी सारे बच्चों का डाउट आ रहा था नेस्ट एग्ज़ाम को लेकर कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स कहाँ होंगे और इसके ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की क्या है। तो ये सारे डाउट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी सबसे पहले आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, गूगल पे सिंपल सर्च करना है नेस्ट एग्ज़ाम। उसके बाद यहाँ पे जो ये फर्स्ट साइट आएगी, www.nestexam.in, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 28th of June को है, यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पहली ब्लू लाइन है, इसमें आपका इन्फॉर्मेशन गिवन है 2022 को लेकर के, सारी चीज़ें, सिलेबस वगैरह भी, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। हम भी इस वीडियो में कवर करेंगे उन चीज़ों को। यहाँ पे नीचे हाउ टू अप्लाई का मतलब पूरा इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कैसे आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। साइबर कैफे वाले की हेल्प ले लेना इसके लिए, खुद से फिल मत करना। यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा। अगर पहले से कभी रजिस्टर कर रखा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं करना, और वो होगा भी नहीं, वो बता देगा कि आपका पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि हमारे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद ये अप्लाई वगैरह का तो आप साइबर कैफे के पास करवा सकते हो, तो वहाँ से करा लेना। तो इसको ओपन करते हैं। तो देखो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, मतलब कि अभी एक सेकेंड, ये इसका सेकेंड पेज है, इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बता रखी है। तो ये देखते हैं हम बेसिकली। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन बता रखा है कि नेस्ट एग्ज़ाम होता है क्या है। और उसके बाद देखो, ये तो मैंने बता ही दिया था कि ये इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम होता है, कि BSc और MSc दोनों ही आपका साथ में यहाँ पे होता है। आपको एक एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे दोनों कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है, और दोनों ही आपको करने होते हैं, कंपल्सरी होता है। उसके बाद यहाँ पे इसमें एलिजिबिलिटी बता रखी है कि कितनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी, और क्या आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट के बारे में बता रखा है कि पर्टिकुलर कितनी, किस कैटेगरी की कितनी सीट वगैरह हैं, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एग्जाम सेंटर भी है, सिलेबस भी है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं, तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस पेज के ऊपर आते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन होता है और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 ईयर का आपका इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम के लिए ये कोर्स मतलब एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब कि बता ही दिया MSc इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है। इसमें आपका कौन कौन दे सकते हैं, जिसके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स है ये एग्जाम, वो दे सकते हैं। या फिर देखो PCM किसी के पास है, PCB किसी के पास है, या फिर PCMB है, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके आपके दो कॉलेजेस बहुत फेमस हैं, और एक तो आपका भुवनेश्वर वाला है और एक है आपका मुंबई वाला। यहाँ पे देखो ये मेंशन भी है, अगर इन दोनों कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो डेफिनेटली आपको पर एनम 60,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट है। और इसमें वही होता है कि फिर आपका जो फी पेमेंट होती है वो नेगलिजिबल हो जाती है, यानी कि आपके 0 चार्जेस लगते हैं पूरे कोर्स की फीस के लिए। ठीक है, तो ये एक कोर्स है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उनको बार्क में डायरेक्ट आपका जो ट्रेनिंग के लिए, सॉरी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लास्ट लाइन में लिखा भी है कि जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं NISER और CEBS में, उनका जो है पूरे जो 5 साल की ग्रेड्स देखते हैं कि किसने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, उसके हिसाब से कुछ स्टूडेंट को वहां से डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं आपके बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। ठीक है, ये एक ट्रेनिंग स्कूल होता है। अगले के पेज के ऊपर आते हैं। अगले पेज में हमारा क्या गिवन है बेसिकली, देखो यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वही आपका मैंने बताया कि PCM, PCB या फिर PCMB है, तो आप ये दे सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स का होना रिक्वायर्ड है यहाँ पे, और SC ST के लिए यहाँ पे बेसिकली 55% होना जरूरी है। PWBD के लिए भी सेम क्राइटेरिया आपका यहाँ पे है। एज लिमिट की बात करें तो OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1 अगस्त 2002, 2002 तक के जो बच्चे हैं, मतलब 2002 के बाद जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, उनसे पहले के नहीं दे सकते हैं। SC ST में यहाँ पे आपका 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे इन ABCD पॉइंट्स में यही बता रखा है जो मैंने अभी आपको डिस्कस करवाया। रिजर्वेशन की बात करें तो OBC के लिए यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। ठीक है, SC ST के लिए होता है सिर्फ, और PWBD कैंडिडेट्स के लिए होता है सीट का रिजर्वेशन। ठीक है, या फिर आपका आप बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरिट आपके OBC सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो कि OBC है, OBC को कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है,
SC/ST को 7.5% सीट का रिजर्वेशन मिला है, और मतलब कि 15% सीट आपकी SC के लिए हैं और 7.5 सीट आपके ST के लिए हैं। अच्छा, जो PWBD कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे दिव्यांग जन लिखा है, तो ये आपके 5% इनको सीट अवेलेबल है, सीट रिजर्वेशन इनका है। ठीक है, आगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स दे रखी हैं कि भाई यहाँ पे आपके जो 18 जून को पेपर है, ये डेट इसमें मेंशन करी गई है कि आपका 18 जून को एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो दो शिफ्ट में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। पर्टिकुलर एक सैटरडे को होगा, मतलब दोनों ही सैटरडे को एग्जाम है, एक आपका 9 से 12:30 बजे तक है और एक 2:30 से आपका 6 बजे तक है। दो सेशन में आपका ये एग्जाम होगा, दो शिफ्ट में होगा। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज थी। अच्छा, और यहाँ पे क्या बता रखा है, 5 जुलाई को इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे ये भी चीज मेंशन करी गई है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको। आगे चलते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के काफी ज्यादा डाउट्स होते हैं कि पर्टिकुलर हमारी स्टेट में कहाँ कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, तो पर्टिकुलर यहाँ से आप देख सकते हो, काफी जगह है, भटिंडा है, उसके बाद बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सारी चीजें यहाँ पे हैं, जो भी आपके आसपास का है वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। चंडीगढ़, रायपुर है, पणजी है, ठीक है, राजकोट, अहमदाबाद, बहुत सारी जगह पे हैं, तो पर्टिकुलर आपके नियर बाय जो है वो आप देख के फिल करना। एग्जामिनेशन के यहाँ पे रूल दिखा रखे हैं कि पर्टिकुलर 90 मिनट पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है, उसके बाद 3 साढ़े 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, और यहाँ पे 9:30 बजे के बाद में एंट्री नहीं मिलेगी, और ठीक है, यहाँ पे ये पढ़ लेना कि आपकी पूरी प्रॉपर टाइमिंग क्या है। क्वेश्चन के बारे में बात करें कि क्वेश्चन टाइप क्या रहता है, तो 4 सेक्शन होते हैं, PCB और आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे 50-50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 50-50, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के लिए। इन चारों सेक्शन में से PCMB, इनमें से किन्हीं तीन, जो आपके बेस्ट तीन हैं, उनका स्कोर डिसाइड करेगा मेरिट लिस्ट को। ठीक है, मतलब कि मान लो कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, PCM वाला स्टूडेंट है, उसको मैथ नहीं आता, तो वो मैथ को स्किप कर सकता है, उसके सिर्फ PCB के जो मार्क्स है वही ऐड होंगे मेरिट लिस्ट में। ठीक है, समझ में आ गई, कोई मैथ वाला है तो उसको बायो नहीं आती होगी, तो वो बायो को स्किप कर सकता है। ये ऐसा नहीं है, मतलब कि अगर आप अटेम्प्ट भी करोगे, मान लो आपने मैथमेटिक्स अटेम्प्ट कर दी और आपका फिजिक्स का स्कोर जो है कम है और मैथ का ज्यादा है, तो फिर वो मैथ को पिकअप कर लेंगे, फिजिक्स को छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे खुद चूज नहीं करना है, वो अपने आप डिसाइड करेंगे, आपके जो इन चारों में से कोई तीन बेस्ट होंगे ना, वही लेंगे, उसी के बेस पे आपकी मेरिट आएगी। आगे बात करते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग है, यहाँ पे देखो सिलेबस का बेसिकली यही है कि 11th और 12th की जो भी NCERT में सिलेबस है, PCMB का, वही आपका इस एग्जाम में सिलेबस जो है आएगा। ठीक है, और कोई अलग चीज नहीं आएगी। और यहाँ पे देखो, देखो साइंटिफिक नॉलेज के ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड चीजें तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसे कोई फालतू चीजें मत पढ़ लेना, मतलब जो साइंस ओरिएंटेड है, मतलब साइंटिफिक जो है, वही सारी अच्छी सी नॉलेज करना। जैसे जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें, उसमें भी अगर आपको, अगर आप थोड़ा सा ये पोर्शन भी कर लोगे जो साइंटिफिक साइंटिस्ट से रिलेट करता है, वो भी बेटर रहेगा, तो उसको भी एक बार करके चले जाना। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग बता रखा है कि जो आपकी OBC और जनरल की फीस है वो 1200 रुपये है, और जो SC/ST और PWBD कैंडिडेट्स हैं और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी फीस जो है 600 रुपीज़ है। ठीक है, आगे बात करते हैं एडमिट कार्ड, यहाँ पे 6 जून को आ जाएगा, 18 जून को आपका एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज दिखा रखी है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट डेट्स में यही है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुए थे, 21 फरवरी से शुरू हुए थे, और क्लोजिंग डेट कब की है, 18 मई की है, 18 मई आधी रात यानी कि 12 बजे तक की डेट है, आप फिल कर सकते हो। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका 6 जून को आ जाएगा, एंड आपका एग्जामिनेशन कब है, 18 को है, दो शिफ्ट में होगी, वो पर्टिकुलर आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा कि आपका किस शिफ्ट में आया है, और रिजल्ट कब आएगा, 5 जुलाई को आएगा। ठीक है, यही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो डिस्कस करना जरूरी था। आगे बात करते हैं, आगे ये सीट रिजर्वेशन, पर्टिकुलर किस कैटेगरी को कितनी सीट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखो, जो हमारे दो ये कॉलेज हैं, NISER
भुवनेश्वर और मुंबई वाले, इसमें यहाँ पे सीट मेंशन की गई है। जनरल के लिए 101 सीट है और भुवनेश्वर में, और यहाँ पे जो मुंबई वाला है उसमें 23 सीट है। पर्टिकुलर अपनी कैटेगरी का देख लेना कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी सीट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मुझे डिस्कस करनी चाहिए? नेगेटिव मार्किंग। अभी देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपकी कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो मेरे हिसाब से तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी पूरा इसको इंश्योर करके। ठीक है। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई यहाँ से डिस्कस करनी? सिलेबस। देखो यहाँ पे सिलेबस जरूरी है। सिलेबस में बायोलॉजी का, ये हमारा सिलेबस पूरा यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, तो आपको यही करना है। जैसे सेल बायोलॉजी का आपका पूरा चैप्टर है वो आपको अच्छे से करना है, जेनेटिक्स आपको करनी है, इकोलॉजी आपको करनी है, ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट जो है, बायोटेक्नोलॉजी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे चैप्टर आपको जो भी यहाँ पे मेंशन है ना सारे करने हैं। ठीक है। ह्यूमन फिजियो पूरी की पूरी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद 12th के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर है। ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मेंशन है वो पूरा कर लेना। ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो, या फिर जो मैंने प्रोसीजर सुबह मतलब यहाँ पे बताया है उसमें भी आप कर सकते हो, उससे भी आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस मेंशन है, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ये पूरा सिलेबस प्लीज आप अच्छे से नोट कर लेना। और ये जो मैथ वाले हैं उनके लिए मैथ का सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है। तो इसमें इतना ही था, पूरा सिलेबस मेंशन कर रखा है इसमें। ये पीडीएफ मैं डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और कोई भी अदर डाउट एंड क्वेरी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेगेटिव मार्किंग का नहीं है यहाँ पे, तो नहीं बता रखा कि नेगेटिव मार्किंग होगी। बाकी अगर मतलब ऐसा यहाँ पे नहीं मेंशन है तो डेफिनेटली नहीं होगी, तो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस के लिए 3.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको करने हैं। सिलेबस अच्छे से देख लो, डेट ऑफ बर्थ देख लेना, अगर आप 1 अगस्त, आई थिंक 1 अगस्त था, प्रॉपर देख लेना, 2002 के बाद बॉर्न हुए हो, तो डेफिनेटली आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो।